कलम 370 हटवण्याच्या ऐतिहासिक घटनेची तरुण पिढीला सविस्तर माहिती मिळावी यासाठी लवकरच शालेय अभ्यासक्रमात याचा समावेश करण्यात येईल असं भाजपचे कार्यकारी अध्यक्ष JP नड्डा यांनी सांगितलंय. पुणे येथील जनजागरण सभेत ते बोलत होते. मोठ्या प्रमाणात भाजप कार्यकर्ते उपस्थित होते. कलम 370 हटवण्याच्या ऐतिहासिक घटनेची तरुण पिढीला सविस्तर माहिती मिळणं आवश्यक आहे. त्याचबरोबर हे जाणून घेण्याची त्यांची रुची वाढणं गरजेचं आहे. त्यामुळे लवकरच शालेय अभ्यासक्रमात कलम 370 चा समावेश करण्यात येईल असं भाजपचे कार्याध्यक्ष JP नड्डा म्हणाले. त्याचबरोबर फुटीरतेला प्रोत्साहन देणाऱ्या बीजाचं समूळ उच्चाटन केल्याचं त्यांनी म्हटलंय. सभागृहात हे बिल मंजूर करण्यात आमचा सहभाग होता हे आम्ही कधीच विसरू शकत नाही. तुम्ही मतदान केलेल्या खासदारांचाही सहभाग होता त्यामुळे हे आपलं भाग्य आहे. जम्मू काश्मीर मध्ये लोकशाही कायद्यानं सर्व काही सुरळीत झाल्यावर नॅशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन लागू करू शकतो असंही नड्डा म्हणाले. पुण्यातील या सभेत नड्डा यांनी कलम 370 हटवल्यानं काय काय फायदा होईल यावर देखील मार्गदर्शन केलंय. तीन ऐसे लोग हैं, दो प्रधानमंत्री इंद्रकुमार गुजराल डॉक्टर मनमोहन सिंह और एक उप प्रधानमंत्री हमारे श्रद्धेय लाल कृष्ण अडवाणी. ये तीनों वेस्ट पाकिस्तान से आए थे, दो प्रधानमंत्री बन गए, एक उप प्रधानमंत्री बन गए. लेकिन जो लोग जम्मू कश्मीर में आकर के बस गए वो काउंसिलर का चुनाव भी नहीं लड़ सके और विधायक का चुनाव भी वोट भी नहीं दे सके और लोकसभा में भी वोट नहीं दे सके. ये हालत उनकी बना के रखी थी जम्मू कश्मीर में इन तीन परिवारों ने. मैं आगे 370 पर बोलने वाला हूं. मैं बताऊंगा कि 370 क्या साजिश थी इस देश के साथ. आपको मालूम है मीर साहब थे मुख्यमंत्री, जम्मू कश्मीर के सफाई कर्मचारियों ने स्ट्राइक कर दी, वहां गंदगी फैल गई, वहां एक जिसको कहते हैं कि एपिडेमिक होने लगा. तो मीर साहब ने पंजाब से 500 परिवार वाल्मीकि के बुलाए सफाई कर्मचारी के और कहा कि तुम यहां बसाएंगे, तुमको तुम यहां रहो. जब वो आए और बस गए, बताना अपने दलित भाइयों को, जब वो बस गए तो मालूम है उनको क्या सर्टिफिकेट दिया? उनको सर्टिफिकेट दिया कि दे कैन ओनली डू द जॉब ऑफ सफाई कर्मचारी. उनका बेटा सफाई कर्मचारी की ही नौकरी कर सकता है, जम्मू कश्मीर में उसको सफाई कर्मचारी की नौकरी मिलेगी. अब जब धारा 370 हटी है, 35A हटा है, तो अब सफाई कर्मचारी का वाल्मीकि भाई का बेटा भी जम्मू कश्मीर की जुडिशियल सर्विस में जा सकेगा, जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जा सकेगा. यह प्रावधान किया गया. हमारी जम्मू कश्मीर की बहनें अगर वो किसी नॉन जम्मू कश्मीर के व्यक्ति से शादी कर लेती हैं तो उनको प्रॉपर्टी में हक नहीं होगा, वो प्रॉपर्टी से हक से वंचित हो जाएंगी. और आपको मालूम है हाई कोर्ट ने 2002 में कहा इस पर रिव्यू होना चाहिए. और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद एक बिल लेके आए, जम्मू कश्मीर रिहैबिलिटेशन बिल, और उसके तहत उन्होंने पास किया कि जम्मू कश्मीर में की महिला अगर कोई बहन को शादी जम्मू कश्मीर के बाहर कर लेती है तो वह तो प्रॉपर्टी से वंचित होगी होगी, उसके बच्चे भी उस प्रॉपर्टी से वंचित हो जाएंगे. ये लॉ पास किया. और ये उमर अब्दुल्ला जो अंग्रेजी बोल के ट्वीट करके अपने आप को 21वीं सदी का नेता बोलता है, इसकी पार्टी ने उसका समर्थन किया और जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 6 मिनट में यह बिल पास हो गया. इस तरीके का न्याय चल रहा था. लेकिन आज मोदी जी के कारण और अमित शाह जी के कारण और भारतीय जनता पार्टी के कारण अब जम्मू कश्मीर की भी बहनें शादी कहीं भी होगी वो श्रीनगर की प्रॉपर्टी पर हकदार होंगे. यह परिस्थिति ला करके खड़ी की. इसलिए इसमें भारत देश का ही नहीं जम्मू कश्मीर का भला है. वहां 104 कानून नहीं लगते, 104 जो भारत की संसद ने पारित किया है. वहां पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 नहीं लगता है, परिसीमन नहीं होता है. वहां वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन जो हम पॉक्सो बोलते हैं, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्स अब्यूज, इस ये धारा वहां नहीं लगती है. बच्चों के साथ अन्याय होता रहता है लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है. वहां डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ कानून नहीं लगता है. वहां पर पंचायती राज का 73 और 74 संशोधन नहीं लगता है. और वहां पर जो स्वर्गीय राजीव गांधी ने 73-74 अमेंडमेंट लाया था जिसमें पैसा सीधा दिल्ली से
सीधा पंच प्रधान के पास पहुंचना था। यह पैसा जम्मू कश्मीर की तिजोरी में बंद करके ये तीन परिवार लूटते थे। अब 370 हटने के बाद मोदी जी का पैसा सीधे जम्मू कश्मीर के पंच प्रधान को जाएगा, यह व्यवस्था कर दी।